हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे यहाँ पर बहुत पुराना पुरातात्विक वर्मा जी का मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करके निकाला गया है। बहुत पुराना वर्मा जी का मंदिर, जो कि पहले कहा गया था ओनली फॉर पुष्कर में, लेकिन यहाँ पर भी वर्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणी, मैं आपका दोस्त सफर का साथी सुरेश देवासी हाजिर हुआ हूँ एक और शानदार वीडियो के साथ में। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं हूँ जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर, जहाँ पर है पुराना मंडोर किला, जिसे उल्टे किले के नाम से भी जाना जाता है। देवी देवताओं की साल, अनेक देवल और प्राचीन भैरू जी का मंदिर। तो चलो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं आज कैसा दिखता है मंडोर। हाँ तो गाइज, अभी इसके मेन गेट से जो एंट्री गेट है, वहाँ से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ तक आए हैं। और अभी जो मैं यहाँ से जो चलूंगा आगे, सामने आप देख रहे हो एक बड़ा सा गेट बना हुआ है। इस गेट को ही कहा जाता है अजित पोल, जो इस गार्डन का मेन गेट है, यहाँ का जो मुख्य दरवाजा है। काफी प्राचीन है ये। चलते हैं यहाँ से आगे। हाँ तो दोस्तों, ये देखो आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है अजित पोल। ये जो सामने पोल देख रहे हो आप, इसी को कहा जाता है अजित पोल। पोल का मतलब ये होता है कि गेट, जो है ना यहाँ का जो मेन गेट है, इसको ही पोल कहा गया है। चलते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार के डायरेक्शन बोर्ड, जैसे इस पे लिखा हुआ है देवताओं की साल, संग्रहालय, यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, एक थंबा महल भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो आप वीडियो में बने रहना, हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको देवताओं की साल। चलो आ जाओ, देख रहे हो व्हाइट गैलरी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है देवताओं की साल, फेम ऑफ गॉड। चलते हैं अभी अंदर, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। अभी हम आ चुके हैं देवताओं की साल, यहाँ पर लिखा हुआ देखो देवताओं की साल व वीरों की दालान। मतलब ये जो आप सामने देख रहे हो, उधर दिखाना, तो ये पूरी जो व्हाइट गैलरी है ना, इस व्हाइट गैलरी को देख रहे हो, यहाँ पर जो है देवताओं की साल है। इसके अंदर जो है सभी देवी देवताओं की जो प्रतिमा बनी हुई है। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर, ये श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। पास में यहाँ पर जलधरनाथ जी की मूर्ति है, उसके आगे जो है शंकर भगवान महादेव की मूर्ति स्थापित है। उससे आगे चलते हैं तो देखो भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित है, सूर्य भगवान की मूर्ति स्थापित है, ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित है। ऐसे ही करके आगे जो है लोक देवता गोगा जी, पाबू जी, मेहो जी, हडमल जी, इन सब की मूर्ति स्थापित है। चलते हैं दोस्तों आगे। ये है देवताओं की जो है साल, यहाँ पर देखो गोगा जी की, मेहा जी की, हड़बू जी की, रामदेव जी की, इनकी जो है मूर्ति स्थापित की हुई है।
तो दोस्तों ये जो मैंने अभी बताई ना गैलरी, ये वीरों की दालान और देवताओं की साल है। इसकी खास बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो सारी मूर्ति स्थापित है ना, ये सब एक व्हाइट स्टोन पे एक ही पत्थर पे जो है उकेरी गई है। इसकी सबसे खास और गजब बात ये है, बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर है। चलता हूँ मैं दोस्तों आगे, अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, चलते हैं अभी। यहाँ पर भैरू जी का मंदिर बना हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले मैं चलता हूँ इस साइड, यहाँ पर जो है आगे एक थंबा महल और अनेक जो है देवल बने हुए आगे, जिनको समाधि कहा जाता है और काफ़ी प्राचीन है वो। हाँ तो दोस्तों अभी हम जो है उस वाली साइड से आए हैं जहाँ पर देवताओं की साल बनी हुई है, वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एक थंबा महल, मतलब कि ये जो आप पीछे देख रहे हो इतना बड़ा जो महल है, इस महल की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी और अलग है। क्योंकि ये जो महल है ना, एक थंबा महल का मतलब ये होता है कि इसको एक, ये एक पहले एक सिर्फ एक पत्थर था, ये जो सामने देख रहे हो आप ये एक पत्थर था, इस पत्थर पे जो है इसमें तीन मंजिला महल बनाया गया है। काफ़ी अच्छे से इसको जो है उकेरा गया, कारीगरों की ये कारीगरी है जो आप सामने देख रहे हो, कितना अच्छा और शानदार महल है। और ये महल जो है एक ही पत्थर पर बनाया गया है। ये जो है आप देख रहे हो एक थंबा महल, यहाँ पर जो है रानियाँ घूमने आती थी, विचरण करते थे। और इसके पीछे गार्डन बना हुआ है जो सनानागार वगैरह यहीं पर बना हुआ था, और ये जो है यहाँ पर जनाना गार्डन है। इसकी ये खास हिस्ट्री है। अब चलते हैं आगे, यहीं पर आगे देवल बने हुए हैं, प्राचीन देवल है जो बहुत ही शानदार स्थापित कला से स्थापित है। चलते हैं दोस्तों उस तरफ जहाँ पर जो है समाधियाँ बनी हुई है, प्राचीन समाधियाँ। ये यहाँ का गार्डन है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अभी मैं चल रहा हूँ उस वाली साइड जहाँ पर ये जो है प्राचीन जो है समाधियाँ बनी हुई है, जिनको देवल कहा जाता है। चलते हैं अब आगे, और ये इस गार्डन का नज़ारा है, आप देख सकते हो यहाँ से कितना खूबसूरत गार्डन है। और अभी जो है हम वहाँ से आए थे एक थंबा महल से, जो सामने देख रहे हो आप वहाँ पर है। अभी यहाँ पर मैं आगे भी चलूँगा, वीडियो जो है काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पर आगे जाऊँगा जब मैं आपको दिखाऊँगा जो मंडोर का किला है, जिसे उल्टा किला कहा जाता है, जो आपको मैं चल के दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार है। वीडियो को एंड तक देखना आप। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं इस सेक्शन में, यहाँ पर जो है अनेक समाधियां बनी हुई है। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले जो है जोधपुर राजघराने का शाही शमशान यहाँ हुआ करता था, जो मंडोर में है। ये देवल जो बने हुए ना उनकी याद में बने हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो कितनी बड़ी जो है यहाँ पर सामने विशाल जो समाधि बनाई हुई है। एक बार देखते हैं इनको चल के। चलो दोस्तों चलते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर हूँ इस गार्डन में जो है, यहाँ आप सामने देख रहे हो ये कितनी सारी जो समाधियाँ बनी हुई है, ये कितनी प्राचीन है आप देख सकते हो। और इनको देवल कहा जाता है। यहाँ पर देखो एक से बढ़ के एक समाधि बनी हुई है जो काफ़ी प्राचीन है। और एक चीज़ ये भी है कि जोधपुर राजघराने का सबसे पहले जो है यहाँ पर दाह संस्कार यहाँ पर होता था, और ये जोधपुर राजघराने का जो है शाही शमशान था। चलो दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, अब चलता हूँ मैं आगे। आप इसको एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा दूँ। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर है काला भैरू जी का मंदिर, और साथ में जो है ब्राह्मणी माता का भी मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो यहाँ पर काला भैरू जी का मंदिर है सामने, और यहाँ पर जो है पास में एक बावड़ी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सामने एक बावड़ी है, लेकिन अभी ये गेट बंद है अंदर से, इसको पूरा सेफ्टी किया हुआ है, ऊपर जाली वगैरह लगी हुई है, अंदर जाना मना है यहाँ पर। लेकिन चलते हैं अभी भैरू जी के मंदिर।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये सामने देख सकते हो, इधर यहाँ पर काला भैरव जी है, बीच में गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और आगे यहाँ पर गोरा भैरव जी की मूर्ति है। ये मंदिर है, यहाँ का प्राचीन मंदिर है, लोग यहाँ पर काफी आस्था से आते हैं। दोस्तों अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, पास में यहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है, हम इस म्यूजियम में भी जाएंगे। इससे पहले जो है उल्टा किला बना हुआ है यहाँ पर, जो मंडोर का प्राचीन किला है, वहाँ पर चलते हैं, फिर आपको म्यूजियम भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, जो है उल्टा किला कहा जाता है जिसे, मंडोर का किला अब हम चल रहे हैं। ये मेरे साथ में मेरे फ्रेंड है विवेक और चंदन जी। अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, ये जाता है, ये रास्ता जाता है यहाँ से किले, जो इसके म्यूजियम के पास में है, यहाँ पर एक महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है। चलो फ्रेंड्स ये रास्ता जाता है यहाँ से किले। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे चल के देखते हैं किला यहाँ का। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, और वो सामने देख रहे हो चोटी पे आप, ये जो है यहाँ का मंडोर का दुर्ग है, हम वही जाएंगे, मंडोर फोर्ट है ये। देख लो आप यहाँ का जो है ये व्यू है, यहाँ से चलेंगे हम अभी आगे। ये देखो ये रास्ता जाता है किले में, यहाँ से सुनसान रास्ता है ये, अगर आप कभी नीचे आओ तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ऊपर कुछ होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ से आगे किला बना हुआ है। फ्रेंड्स अभी जो मैं यहाँ पर जो है इस गार्डन से यहाँ पर ऊपर आ चुका हूँ, और आप यहाँ से ऊपर का ये व्यू देख सकते हो, ये पूरा व्यू है यहाँ का, पूरा सुनसान है। आपको अगर यहाँ पर आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे शायद लगता है कि आप देखते हो ऊपर कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऊपर यहाँ पर जो है बहुत कुछ है। सामने आप देख रहे हो वो चोटी पे, वो यहाँ का जो है मंडोर का किला है, जो सबसे प्राचीन किला है, वो सामने देख रहे हो आप वहाँ पे है, मैं वहाँ पे भी चलूंगा। और ये यहाँ का देखो वीरान एरिया है, आप देख सकते हो पूरा पहाड़ी एरिया है। चलो दोस्तों चलते हैं आगे, महापुरुष पीछे रह गए थे और अभी आए हैं हल्की सी स्माइल करते हुए, देखो इनको कहाँ खो गए थे। तो दोस्तों अब चल रहे हैं हम आगे किले की साइड, जहाँ पर जो है मंडोर का जो प्राचीन दुर्ग था, वहाँ पर देखते हैं क्या है वहाँ पर। अभी ये देख रहे हो आप कभी आओ तो यहाँ से इस वाले गेट से आपको आगे जाना है। फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है मंडोर दुर्ग। ये जो है यहाँ से गेट है दुर्ग जाने का, आप यहाँ से आगे जा सकते हो। हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे यहाँ पर बहुत पुराना पुरातात्विक वर्मा जी का मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करके निकाला गया है। बहुत पुराना वर्मा जी का मंदिर, जो कि पहले कहा गया था ओनली फॉर पुष्कर में, लेकिन यहाँ पर भी वर्मा जी का मंदिर देखने को मिलता है। उससे आगे नहार सिंह जी प्रतिहार भूमिया जी का मंदिर है, उससे आगे बहुत पुराना चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि पूर्वजों के समय जब मंडोर में प्रतिहार वंश का शासक था उस समय का बना हुआ है। बहुत पुराना माता चामुंडा माता का मंदिर है, जो कि दुर्ग के बिल्कुल बैक साइड में मिलता है। चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे। यहाँ तक आने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, ये देखो बहुत ही शानदार व्यू है, यहाँ से आप फोटोग्राफी वगैरह करते हो तो बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहाँ का, आप देख सकते हो। ये ट्रैक बना हुआ है और कंप्लीट जो है ये जो दुर्ग है ना, पूरा चार दीवारी में जो है सुरक्षित था पहले, और अभी भी आज यहाँ पर कुछ अवशेष है जो हम आपको दिखाएंगे। चलो दोस्तों हम अभी ऊपर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देखो एक और बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है मंडोर दुर्ग, और यहाँ की हिस्ट्री मैं आपको दिखा दूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। ये यहाँ का जो है रास्ता है आगे जाने का, यहाँ पर देखो नार सिंह जी भूमिया जी का मंदिर बना हुआ है, आप यहाँ आओ तो दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैंने यहाँ देख लिया, अब आगे चल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैं भी यहाँ से ऊपर आया हूँ इस वाले रास्ते से, और यहाँ पर एक देखो और जो है बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है महेश मंदिर अवशेष। ये पुरातात्विक विभाग द्वारा जो है सर्वे किया गया था, उसमें इस चीज़ का जो है पता चला है, और ये सामने देख रहे हो आप ये आज पूरा सुरक्षित है। चलता हूँ मैं यहाँ से आगे, यहाँ पर देखो बंदर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में बंदर है यहाँ पर पहाड़ी पर। यहाँ से चल रहा हूँ मैं आगे, ये देख सकते हो यहाँ का व्यू। देखो फ्रेंड्स इतना आगे आने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर आया हूँ, और ये आप सामने देख रहे हो यहाँ से ये नागादड़ी बांध है आगे, ये भी मैं यहाँ पर भी चल के दिखाऊंगा। और आगे और यहाँ पर देखो यहाँ पर छतरियाँ वगैरह बनी हुई है,
आप यहाँ हो तो देख सकते हो। और ये देखो यहाँ का जो है व्यू है, आपको मैं एक बार पूरा दिखा दूँ कंप्लीट। काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो फ्रेंड्स इतना ऊपर आने के बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे किले, जो यहाँ का फोर्ट है, हम उस तरफ से आगे जाएंगे और वो फोर्ट दिखाएंगे आपको। चलो दोस्तों अब चलते हैं आगे। यहाँ आप सामने देख रहे हो ये गेट, यहाँ से आगे आना है आपको। अगर कभी आप ऊपर आते हो तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं और ये जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से जो है मंडोर दुर्ग जाने का रास्ता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक जो है ब्रह्मा मंदिर के अवशेष भी है अंदर, तो मैं वो भी आपको चल के दिखाऊंगा, यहीं पर है वो। और उसके बाद आप देखो चारों तरफ जो चार दीवारी देख रहे हो, ये मंडोर का प्राचीन दुर्ग था। ये जो यहाँ पर जो है प्राचीन किला था, आप सामने देख रहे हो, ये कहते हैं कि इस ये जो किला है उल्टा किला है, इसीलिए इसको उल्टा किला कहा जाता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो दीवारें, ये दीवारें नहीं है, इसकी नींव है और पूरा किला जो है उल्टा अंदर धस गया था। चलता हूँ मैं आगे और अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ पर जो है ब्रह्मा मंदिर अवशेष के रास्ते से मैं जा रहा हूँ आगे। और यहीं पर जो है आपको अंदर जो है ब्रह्मा मंदिर अवशेष मिलेंगे। अभी हम आए हैं यहाँ से अंदर। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये एक जो है यहाँ पर रूम टाइप से बना हुआ है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखो जो बंदर वगैरह काफी ज्यादा है। कभी आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर जो है विभाग से जो लोग कार्यरत है, उन्होंने भी बोला है कि आप थोड़ा बंदर वगैरह का ध्यान रखा करो, वो आपसे फ़ोन कैमरा कुछ भी छीन सकते हैं। और ये देखो ये है जो है फोर्ट है। तो फ्रेंड्स मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो किला है पूरा उल्टा है। आप चारों तरफ ये जो दीवारें देख रहे हो, ये इसकी सब नींवें हैं और जो एक्चुअल जो किला था ना वो अंदर धस चुका है जमीन के अंदर, और इसीलिए इस किले को उल्टा किला कहा जाता है। ये मंडोर का किला है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये खंभा है और ये खंभे का जो है नीचे वाला हिस्सा है आप देख रहे हो ये, और ये जो मेन हिस्सा है ना वो पूरा अंदर है, यहाँ पर अंदर है इसके। मतलब ये जो पूरा जो आप किला देखोगे ना अभी, ये किला जो है उल्टा है पूरा, आपको देखने में भी देखते ही पता चल जाएगा अगर आप यहाँ पर आते हो तो। चलो मैं अब चलता हूँ इसके मेन टॉप पॉइंट पे, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो आप यहाँ से व्यू देख सकते हो इसका पूरा, ये यहाँ का कंप्लीट व्यू है। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है, आप चारों तरफ से देख सकते हो यहाँ पर। एक बार मैं आपको जो है पूरा व्यू दिखा देता हूँ इसका। ये देखो फ्रेंड्स मैं अभी जो है वहाँ से सामने से अंदर आया हूँ, यहाँ से होते हुए इन सीढ़ियों से अंदर आया हूँ मैं। और उसके बाद ये देखो आप सामने देख सकते हो यहाँ का व्यू है। और सबसे बड़ी और गजब बात यह है कि देखो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि ये किला उल्टा हो गया है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर नीचे होनी चाहिए थी वो अभी ऊपर है। मतलब कि ये चीज़ जो है साक्ष्य जो है ना जो बराबर परफेक्ट है जो बताए जाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ की दीवारें वगैरह देखते ही पता चल जाता है। ऐसी प्राचीन चीज़ें देखने के लिए आपको आना चाहिए, जो हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा अभी भी सुरक्षित है। और ये देखो किला जो है चार दीवारी है पूरा कंप्लीट। चलते हैं अभी आगे यहाँ से। और ये जो हम वहाँ से ऊपर आए थे, हम सामने देख रहे हो आप, वो मंडोर गार्डन था, वहाँ से हम ऊपर आए हैं। आगे नागादड़ी बांध भी है, वहाँ पे भी चलेंगे। और ये देखो यहाँ पर पूरा किला जो है चार दीवारी से सुरक्षित था, जो आज भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की दीवारें काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी प्राचीन है। चलो दोस्तों चलता हूँ मैं आगे। दोस्तों अभी जो मैं आपको फोर्ट दिखा रहा हूँ, ये फोर्ट पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन आज आपको देखने से पता चलता है कि जो यहाँ पर जो अवशेष बचे हुए हैं उनसे ये रियल है कि ये किला जो है उल्टा हो गया पूरा। ये देखो यहाँ पर जो है मैं इसके टॉप पॉइंट पे आया हूँ, अभी ये यहाँ का टॉप पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिलर वगैरह है वो भी उल्टे हैं, ज़मीन के अंदर धसे हुए हैं। ये देख सकते हो यहाँ का टॉप पॉइंट है। यहाँ सनसेट वगैरह व्यू बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक बार आप देख सकते हो, ये यहाँ का व्यू है पूरा। ये जो चार दीवारी दिख रही है पूरे फोर्ट की चार दीवारी, और आप देख सकते हैं कितना लंबा दुर्ग था, यहाँ से शुरू होता है ये पूरा दुर्ग, पूरा राउंड मार के वहाँ पे देखिए उस तरफ भी आपको चार दीवारी दिखेगी। ये पूरा दुर्ग इतना लंबा है, जिसके अंदर मंदिर, ब्रह्मा देव मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, नाहर सिंह जी भूमिया जी मंदिर, सारे मंदिर इस दुर्ग के अंदर ही स्थापित है, आप देख सकते हैं। ये पूरा किला उल्टा है, आपने बहुत सारे फोर्ट देखे होंगे, लेकिन जोधपुर में जो स्थापित मंडोर फोर्ट है
ये फोर्ट जो है पूरा उल्टा हो रखा है। और सामने देखो यहाँ पर, और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ नीचे चल के, वहाँ पर भी जो है उल्टे फोर्ट की जो है पूरी आपको संरचना दिखेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टॉप पॉइंट है यहाँ का, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है वो सामने देख रहे हो, ये पूरा जो जो है मंडोर गार्डन है। आप सामने मैंने आपको वो देवल बताए थे, जो प्राचीन देवल यहाँ पर स्मारक बने हुए हैं वो सामने है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, ये जो दिखेगा अभी, ये देखो ये सामने दिख रही है आपको व्हाइट गैलरी। और यहाँ पर देखो देवताओं की साल बनी हुई है नीचे। और ये जो है एक थंबा महल है, आपको मैं दिखाता हूँ पास में से, ये एक थंबा महल है। और ये यहाँ पर जो है नीचे मंडोर म्यूजियम बना हुआ है, यहाँ पर मंडोर म्यूजियम है। और हम जो है वहाँ से मंडोर म्यूजियम के आगे से होके, वहाँ से पीछे से होके उस वाले रास्ते से आगे आए थे। और यहाँ पर आने के बाद ये उल्टा जो किला है इसका जो है टॉप पॉइंट है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। ये दोनों चीज़ अगले वीडियो में कवर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।